हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुकी है। आप शायद से इस न्यूज़ से वाकिफ हों या हो सकता है ना वाकिफ हों, पर इस वीडियो में आज की हम जानेंगे इसी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अप्रूवल मिलने के सफर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह से हुई। तो इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलने में बहुत ही साल लगे हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस प्रोजेक्ट का सफर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2009 में। इसका आइडिया प्रपोज हुआ था 2009 में, पर इसकी फर्दर डेवलपमेंट्स में बहुत ही मुश्किलें आई। जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो थी, ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, जिस कारण कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिल पाई। तो फिर 2009 के बाद सालों बीत गए, टाइम आया मार्च 2023 का, जब चंडीगढ़ में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को महसूस किया गया, ट्रैफिक कंजेशन। और तब चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का आइडिया दोबारा से प्रपोज किया गया। पिछली बार मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला था क्योंकि ये कहा गया था कि ये फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। तो इस बार इसी प्रोजेक्ट में इसके प्रपोजल में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई ताकि इसको फाइनेंशियली फिजिबल बनाया जाए, और फिर इस आइडिया को दोबारा से प्रपोज किया गया होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के समक्ष। तो इस तरह से 14 साल का लंबा वेट करने के बाद 27 जून 2023 को चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी आप कह सकते हैं, उससे हरी झंडी दिखा दी गई, ग्रीन सिग्नल। तो आगे देखते हैं कि चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट का प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से लागू किया जाएगा। 5 जुलाई 2023 को एक मीटिंग हुई चंडीगढ़ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में, और उस मीटिंग में चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी व्यापक योजना बनाने के लिए चर्चा की गई, उसका डिसीजन लिया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम ट्राई सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी रखा गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला, तीन शहरों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। तो प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट को दो फेसेस में डेवलप किया जाएगा। पहला फेस 2027 से 2037 के बीच में डेवलप होगा, यानी 2027 से 2037 के बीच में। दूसरा फेस 2037 के बाद, यानी 2037 के बाद। और जो पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट होगा ये 101 किलोमीटर का डिस्टेंस लंबाई कवर करेगा, 34.5 किलोमीटर चंडीगढ़ में, 34.5 किलोमीटर चंडीगढ़ में, 29.5 किलोमीटर पंचकुला में, और 37 किलोमीटर मोहाली में। प्रोजेक्ट पे लगने वाली कॉस्ट का अनुमान, लागत का अनुमान 10,570 करोड़ रुपया लगाया गया है, 10,570 करोड़। तो
इसके आगे मेट्रो लाइंस की कंस्ट्रक्शन प्लान यानी कि मेट्रो का जो नेटवर्क बिछाया जाएगा उसके निर्माण की योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फेज वन में 3 लाइंस का निर्माण किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्लान के मुताबिक आप ये पहली लाइन देख सकते हैं, ये रॉक गार्डन से चलते हुए ISPT 17 से पास होते हुए देन ISPT 43 से होकर के गुजरते हुए ये लाइन पहुंचती है एयरपोर्ट चौक से होके हुए ये पहुंचेगी ISPT जीरकपुर तक। तो पहली लाइन जो है मेट्रो लाइन वो कंस्ट्रक्ट होगी, निर्माण होगा उसका रॉक गार्डन से लेकर के ISPT जीरकपुर तक। 17 के बस स्टैंड, 43 का बस स्टैंड, एयरपोर्ट चौक बीच में आएगा। दूसरी लाइन आप ये पर्पल में देख सकते हैं जो कि स्टार्ट हो रही है सारंगपुर से ISPT पंचकुला तक। तो ये है दूसरी मेट्रो लाइन। फिर ये तीसरी मेट्रो लाइन जो कि ये ब्लू रंग में है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं ग्रेन मार्केट चौक से होते हुए ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 तक आ रही है, बीच में से ISPT 43 से पास होते हुए आएगी ये ब्लू मेट्रो लाइन ग्रेन मार्केट चौक से ट्रांसपोर्ट चौक तक। उसके बाद फेज 2 के कंस्ट्रक्शन प्लान निर्माण योजना के मुताबिक हम ये मेट्रो लाइन देख सकते हैं जो कि ISPT जीरकपुर से स्टार्ट होते हुए जा रही है पिंजोर तक। इसी तरह से दूसरी मेट्रो लाइन ये स्टार्ट जो कि स्टार्ट हो रही है न्यू चंडीगढ़ से और आ रही है सारंगपुर तक, इसका निर्माण किया जाएगा। फिर तीसरी मेट्रो लाइन ये ग्रीन में आप देख सकते हैं ISPT पंचकुला से स्टार्ट होते हुए पंचकुला एक्सटेंशन तक। इसके अलावा ये एक मेट्रो लाइन जो कि स्टार्ट होगी एयरपोर्ट चौक से और खत्म होगी मानकपुर तक। तो इसके बाद जानते हैं कि मेट्रो ट्रेन के रूट्स क्या क्या होंगे, किन किन स्टेशन होते हुए ट्रेन गुजरेगी। अभी तक मेट्रो ट्रेन के 4 कॉरिडोर्स प्रपोज किए गए हैं। कॉरिडोर मतलब रास्ते जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेशन से होते हुए मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो जैसा कि स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि पहला कॉरिडोर कॉरिडोर 1, तो इस ये मेट्रो ट्रेन ये स्टेशन से होते हुए जाएगी जो कि स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि मेट्रो ट्रेन जाएगी खुडा लाहौर से IT पार्क तक, और बीच में स्टेशंस जो आएंगे वो लिखे हुए हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी PGI गवर्नमेंट कॉलेज जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 17 ISPT सेक्टर 8 से होते हुए सेक्टर 7 से होते हुए सेक्टर 6 ग्रेन मार्केट ट्रांसपोर्ट नगर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन मनी माजरा और उसके बाद IT पार्क आ जाएगा। तो ये सारे स्टेशंस आप दोबारा भी आकर के यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर 1 के स्टेशंस आएंगे जहां से मेट्रो ट्रेन होते हुए गुजरेगी। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कॉरिडोर 2 यानी अगला रास्ता। यहाँ देख सकते हैं कि मेट्रो ट्रेन जो जाएगी सेक्रेटेरिएट सेक्टर 1 में जो है चंडीगढ़ में से बस टर्मिनल सेक्टर 104 मोहाली का वहां तक जाएगी, और उसके बीच में जो स्टेशन आएंगे वो लिखे हुए हैं, वो आएंगे रॉक गार्डन सेक्टर 9 से होते हुए सेक्टर 17 ISPT से होते हुए सेक्टर 17 ISPT आएगा, सेक्टर 22 आएगा अरुमा होटल आएगा, सेक्टर 34 बस टर्मिनल सेक्टर 43 सेक्टर 52 सेक्टर 62 सेक्टर 60 सेक्टर 72 सॉरी सेक्टर 71 सेक्टर 75 सेक्टर 76 सेक्टर 77 सेक्टर 78 सेक्टर 87 97
106, उसके बाद 105 और अंत में ये पहुंच जाएगी सेक्टर 104 मोहाली तक। ये है पैसेज, ये सारे स्टेशन हैं जो कि बनाए जाएंगे, प्रपोज किए गए हैं अभी। तो इस स्क्रीन पर देखते हैं कि तीसरा कॉरिडोर जो कि प्रपोज हुआ है ये होगा। तो ये स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि ये सेक्टर 38 से स्टार्ट होकर के सेक्टर 38 और दादू माजरा से स्टार्ट होकर के अलोंग पूर्व मार्ग विकास मार्ग से होते हुए ये रूट दिखाया गया है कि ये टिम्बर मार्केट चौक तक जाएगा। तो ये है, अब स्क्रीन पर देख रहे हैं हम चौथा कॉरिडोर 4 जो कि सेक्टर 21 पंचकुला से हाउसिंग बोर्ड चौक तक का है। और रास्ते में जो स्टेशन आएंगे वो आएंगे पंचकुला सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17 पंचकुला, सेक्टर 21। और उसके बाद अंत में जो रूट का आखिरी स्टॉप है वो है हाउसिंग बोर्ड चौक। तो ये सारे हमने सारे के सारे रूट्स जो कि मेट्रो ट्रेन के अभी तक प्रपोज किए गए हैं वो देखे। तो आगे हम जानते हैं कि चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन के शुरुआत प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से, चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन यानी कि जब स्टार्ट होगी तो उससे ये जो ट्राई सिटी है चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला, इसके लिए आगे का रास्ता क्या होगा, इसकी आगे की जर्नी कैसे चलेगी आगे के टाइम में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला यानी कि ट्राई सिटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू दूसरे जो रीजन है देश के, उनके मुकाबले में। और यहाँ पे इसी कारण क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो अगर हम कार डेंसिटी देखें पर ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि कार डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है इस चंडीगढ़ एरिया में। पर इसका एक ड्रॉबैक भी निकल के आता है कि यहाँ पर अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण टाइम के साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन की भी समस्या देखी जा रही है। तो चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन की इंट्रोडक्शन के कारण यहाँ पे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को। साथ ही में अन्य जो सुविधाएं हैं मेट्रो ट्रेन की उसका लाभ तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो ले ही पाएंगे, निवासी लोग। आगे हम जरा जानते हैं कि मेट्रो ट्रेन के इंट्रोड्यूस होने से इस चंडीगढ़ रीजन में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी रियल एस्टेट के प्राइस उन पे कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में, पास्ट में जिन जिन शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विसेज को स्टार्ट किया गया, जैसे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन सर्विसेज आने से रियल एस्टेट सेक्टर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, यानी कि जो प्राइस है वो ऊपर गए फॉर बोथ रेजिडेंशियल के लिए और कमर्शियल प्रॉपर्टीजों दोनों के लिए ही, क्योंकि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई मेट्रो ट्रेन सर्विस के होने से। तो उस इलाके में जहाँ जहाँ मेट्रो जाता था वहाँ वहाँ प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उनकी डिमांड बढ़ी और इसलिए उनके दाम भी बढ़े। तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मेट्रो ट्रेन के आने से स्पेशली जिस रीजन से इसके रूट करीब से होकर के निकलेंगे वहाँ के रियल एस्टेट के दाम तो बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की काफ़ी जानकारी ली, उसकी हिस्ट्री देखी वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, आगे उसका इम्पैक्ट देखा, उसके रूट्स के बारे में जाना। तो हमारी
फ्यूचर में आने वाली वीडियोस भी आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।